बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ऐसा तो आपने कई बार सुना होगा और देखा भी होगा। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में बीजेपी, जदयू और आरजेडी के बीच अजीबोगरीब पोस्टर वार छिड़ गया है। पोस्टर पर जो लिखा है वो काफी मजेदार भी है। पटना में पोस्टर लगा, बीजेपी ने अपने पोस्टर में लिखा कि दिया न शिक्षा न रोजगार, पलटू कुमार को कब तक सहेगा बिहार। इसके अलावा बीजेपी ने दूसरा पोस्टर में लिखा कि हर मोर्चा पर असफल राष्ट्रीय जनता दल। इसके बदले में आरजेडी ने पोस्टर निकाला, आरजेडी ने उसके बगल में लिखा, मोदी सरकार से चाहिए छुटकारा, नौजवानों का है अस्पष्ट इशारा, राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी ने अपने दूसरे पोस्टर में लिखा कि सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार। उसके बाद बीजेपी ने पोस्टर लगाया, बीजेपी ने लिखा कि कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। बदले में आरजेडी ने लिखा कि मजदूर किसान पर रोज सितम, मोदी सरकार का तेल खत्म, नीचे राष्ट्रीय जनता दल बिहार लिखा गया है। इस तरह से पटना के फुटपाथ पर कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी ने एक अलग पोस्टर में लिखा कि सत्ता में है लालू का लाल, तभी तो बिहार है बेहाल। बीजेपी ने एक साथ कई पोस्टर निकाले हैं। इसके अलावा परिवारवाद से बनाना दूरी है, फिर एक बार मोदी जरूरी है, घमंडिया गठबंधन, न नीतीश न नियत न नेता, डिप्टी सीएम इतना तेजस्वी, पास न कर पाया वो भी दसवीं, ऐसे कई पोस्टर लगाए गए हैं पटना के फुटपाथ पर। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब पटना में पोस्टर वार छिड़ा हो। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश कुमार लगातार निशाने पर रहते हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को उठा भी रही हैं और राज्य सरकार को घेर भी रही है। राजधानी में भी क्राइम के कई सारे मामले सामने आए, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में पटना और बिहार की जनता लगातार इस बात को लेकर सवाल पूछ रही है कि आखिर सूबे में अपराधियों से मुक्ति कब मिलेगी। राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सारे पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर की खास बात ये रही कि नीतीश कुमार तो नहीं बल्कि तेजस्वी यादव पर निशाना साधा गया। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाया इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर में लिखा गया था, खून हो रहा है चप्पा चप्पा, तेजस्वी खा रहे हैं गोलगप्पा। ये पोस्टर इनकम टैक्स चौराहे पर लगाए गए। इस बड़े से पोस्टर पर एक स्लोगन लिखा गया था जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। पुलिस ने इस पोस्टर के बारे में छानबीन भी की थी जिस पर लिखा गया था कि खून हो रहा है चप्पा चप्पा, तेजस्वी खा रहे गोलगप्पा। जैसे ही ये पोस्टर लगा तो हंगामा मच गया था। तुरंत ही प्रशासन को इसकी सूचना दी गई थी और इसके तुरंत बाद नगर निगम हरकत में आया। नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में इस पोस्टर को हटा भी दिया गया। तेजस्वी के खिलाफ लगा ये पोस्टर भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये पोस्टर लगवाया किसने। हालांकि इस पोस्टर के नीचे निवेदक के तौर पर प्रदेश की जनता गण दिया गया था। इसके बाद एक और पोस्टर लगाया गया था, लेकिन ये पोस्टर कर्नाटक में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ये पोस्टर लगाए गए थे जिसमें मोदी सरकार की आलोचना की गई थी। उस पोस्टर में लिखा गया था, अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार, गिफ्ट टू बिहार, कोलैप्स ब्रिज। सीएम नीतीश कुमार को अस्थिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार करार देते हुए पोस्टर चालुक्य सर्कल और विंडसर मैनर ब्रिज और हेबाल इलाके के पास एयरपोर्ट रोड पर लगे थे। इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने पर भी उनकी कड़ी आलोचना हुई थी। पोस्टर में उनके शासनकाल में बिहार में पुल टूटने की घटनाओं का भी जिक्र किया गया था। एक अन्य पोस्टर में उनका मजाक बनाते हुए लिखा गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पानी के नीचे पुल बनाने वाले व्यक्ति हैं। इसे लेकर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि यह सब बीजेपी का काम है, नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है और उनके खिलाफ पोस्टर लगाकर वे उनका प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इन सभी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है, कायरों की तरह वे ऐसा कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी कर्नाटक की राजनीति को अच्छे से जानते हैं। हालांकि एक बार फिर से बिहार में पोस्टर लगा है, लेकिन इस बार पोस्टर एक के बाद एक तीन पोस्टर लगाए गए हैं। सबसे पहले बीजेपी ने लगाया, उसके बाद आरजेडी ने, उसके बाद जेडीयू ने पोस्टर जारी किया और इस तरह से ये पोस्टर वार भी वायरल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।